वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ इससे पहले के आपने वीडियोस हमारे जो हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के ऊपर बनाए हैं वो आपने सभी देख लिए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दफ़े स्टूडेंट्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपको ये समझ में आ जाए तो मैंने जैसे पहले भी कहा था, ये आपको एक क्विज़ की तरह लगेगा, एक खेल की तरह लगेगा। फिर उसके बाद आप उसको इन्जॉय करने लगते हो, उस एंट्रीज़ को आप रेक्टिफाई करने में हम इन्जॉय करते हैं। तो चलिए अभी हम अपने इस एंटरटेनमेंट गेम को और आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम समझेंगे रेक्टिफिकेशन इन सिंगल साइड एरर, मतलब एक तरफ या तो डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में एक तरफ ही अगर एरर है तो उसको बोलते हैं सिंगल साइड एरर। और आज हम करेंगे वो टोटलिंग मिस्टेक्स के ऊपर करेंगे, अंडरकास्ट या ओवरकास्ट। जैसे कि आपने टोटल किए हैं 500 500 500, इसका हम अगर टोटल मिस्टेक कर दें 2500 लिख दें तो आप इसको क्या बोलेंगे, ओवरकास्ट या अंडरकास्ट? इसको हम बोलेंगे ओवरकास्ट, मतलब हमने टोटल ज़्यादा कर दिया, 2000 रुपीस की जगह हमने टोटल कर दिया 2500। और अगर हम इसका टोटल 1500 कर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, अंडरकास्ट। रॉन्ग टोटलिंग है, 2000 की जगह हमने 1500 कर दिया तो उसको अंडरकास्ट। अगर अंडरकास्ट होता है, 1500 है, हमें 500 रुपये बढ़ाने हैं तो हम क्या करते थे, हम एक 500 रुपीज़ की एक एडिशनल एंट्री डाल देते थे। और अगर हमने वापस लेना है ओवरकास्ट के केस में है तो हम क्या करते थे, अभी तक हम एंट्री की साइड चेंज कर देते थे, मीन्स डेबिट साइड को हम क्रेडिट साइड में लिखते थे, क्रेडिट को डेबिट साइड में एंट्री करते थे। तो उस वही चीज़ आज हमने करनी है। तो इसको हम समझते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सेल्स बुक अंडर कास्ट रुपीज़ 1000, सेल्स बुक को 100,000 रुपये से अंडर कास्ट, यानी जो टोटल उसका कम हुआ हुआ है, तो क्या एंट्री होनी चाहिए? यहाँ पे स्टूडेंट्स ये सिंगल साइड एरर है तो इसमें आपको करेक्ट एंट्री और इनकरेक्ट एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट रेक्टिफाइड एंट्री ही बनानी है। आप ये देखिए, सेल्स बुक हमारा क्या होता है, सेल्स अकाउंट हमारा डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है? सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड होता है, है ना? तो हमारी एंट्री अंडरकास्ट है 1000 रुपीज़ से, तो हमें 1000 रुपीज़ ऐड करने हैं, तो हमें क्रेडिट साइड में क्या एंट्री हम करेंगे, टू सेल्स अकाउंट, ये तो हमें करेंगे 1000 रुपीज़ से। समझ में आ रहा है? सेल्स बुक हमारी क्रेडिट साइड में आती है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है सेल्स बुक का, तो हमने सेल्स बुक में ऐड करना है तो हमने 1000 रुपीज़ ऐड कर दिए। अब यहाँ पे हमें डेबिट साइड की एंट्री पता नहीं है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। सस्पेंस अकाउंट स्टूडेंट्स कब बनाया जाता है, जब हम सारे लेजर्स को हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर देते हैं, और जब ट्रायल बैलेंस को हम जब टोटल करते हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में अगर फ़र्क आता है तब हम ट्रायल बैलेंस में हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू उसको फॉर द टाइम बिंग उस सस्पेंस अकाउंट बना के हम मैच कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ट्रायल बैलेंस हम बना रहे हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सपोज डेबिट साइड का टोटल है 10,000 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 9,000, तो इट मींस क्या हुआ कि हमने कहीं गलती तो करी हुई है, क्रेडिट साइड में 1000 रुपीज़ और ऐड होने चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, फॉर द टाइम बिंग एक सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं 1000 रुपीज़ से, और हम इसको टैली कर देते हैं 10,000 रुपीज़। सस्पेंस अकाउंट में 1000 लिखने का मतलब ये नहीं है कि अब हम इसको ढूंढेंगे ही नहीं, एरर हमने अपना टैली कर ली है, ये फॉर द टाइम बिंग होती है कि आपने अभी टैली करना है तो आप इसको कर लो, लेकिन इसके बाद आप लग जाओ उसको ढूंढने में, रेक्टिफाई करने में। यहाँ पे क्या था, हमने आइडेंटिफाई कर ली अपनी एरर को, सेल्स बुक में अंडरकास्ट था 1000, सेल्स बुक में हमें मिल गया, सेल्स बुक में 1000 रुपीज़ हमें यहाँ पे मिल गए। तो अब हमें सेल्स बुक में अगर मिल गया तो हमें सस्पेंस अकाउंट को तो हटाना पड़ेगा ना, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड में है तो हम कहाँ लेके जाएंगे हटाने के लिए इसको, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे भी हमने यही करना है, यहाँ पे भी हम डेबिट साइड में अब क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट। हमने फॉर द टाइम बिंग सस्पेंस अकाउंट खोला हुआ था 1000 रुपीज़ से, नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड द मिस्टेक्स एरर,
हमने देखा सेल्स बुक का टोटल अंडर कास्ट हुआ है 1000 रुपीज़ से। 1000 रुपीज़ से हमने अब सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करना है, बंद करना है, तो हमने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया और सेल्स अकाउंट को हमने ऐड कर दिया। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये एक बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया सस्पेंस अकाउंट का। अब हर ट्रांजेक्शन में सस्पेंस ट्रायल बैलेंस बना के नहीं दिखाऊंगा आपको, अपने आप ही समझ जाएंगे आप। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे आपका कंसेप्ट और क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री देखिए, यहाँ पर हमने सिर्फ से रेक्टिफाइड एंट्री ही बनाई है। इसके बाद आपने नरेशंस लिखनी है, सेल्स बुक अंडर कास्ट ₹1000 नाउ रेक्टिफाइड। अब देखिए अंडर कास्ट टोटल ऑफ परचेज बुक। अब परचेज बुक देखिए, आपकी परचेज बुक डेबिट होती है या क्रेडिट होता है, पहले तो ये बताइए। परचेज अकाउंट हमारा डेबिट होता है या क्रेडिट? परचेज अकाउंट होता है हमारा डेबिट अकाउंट। अब ये टोटल जो है इसका अंडर कास्ट हुआ है, अंडर कास्ट हुआ है तो हम एक और एंट्री डाल देते हैं। कितने रुपये से? 800 रुपीज़ से। हम क्या एंट्री बनाएंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब हमें मालूम ही नहीं है यहाँ पे, तो टू हम सस्पेंस अकाउंट ही लिखेंगे। सेकेंड एंट्री हमें मालूम नहीं है ना, अगर नहीं मालूम है तो हम सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे 800 रुपीज़। क्लियर हो गया ना? अब इसके बाद नरेशन लिखेंगे, अंडर कास्ट टोटल ऑफ परचेज बुक बाय ₹800 नाउ रेक्टिफाइड। थर्ड एंट्री की तरफ चलिए। परचेज बुक ओवर कास्ट बाय ₹600। परचेज बुक ओवर कास्ट हो गई है, परचेज बुक का टोटल हमने ज़्यादा कर दिया है। अब अगर ज़्यादा कर दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा? परचेज बुक हमारी डेबिट साइड में आती है तो हमें उसको क्रेडिट साइड में लगाना पड़ेगा। माइनस करने के लिए, कम करने के लिए तो हमें उल्टा करना पड़ता है ना। तो हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को अब कैसे डेबिट कर देंगे और परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए से है? 600 रुपीज़ से। क्लियर है? और आगे चलें, सेल्स बुक ओवर कास्ट बाय ₹100। अब सेल्स बुक का भी टोटल जो है 100 रुपीज़ से ज़्यादा हो गया है। अब सेल्स बुक होती है हमारी क्रेडिट में आता है, तो हमें माइनस करना है, कम करना है, तो हम क्या करेंगे उसको डेबिट साइड में लिख देंगे। तो सेल्स अकाउंट डेबिट, बहुत आसान है स्टूडेंट्स ये, टू सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए से? 100 रुपीज़ से। ये हमारी है फोर्थ एंट्री। और आगे चलते हैं, टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक। अब देखिए परचेज रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट बाय 500 रुपीज़। परचेज रिटर्न बुक का टोटल कम हो गया है, उसको हमें बढ़ाना है। तो फिफ्थ एंट्री, परचेज रिटर्न अकाउंट, ये हमारा डेबिट होता है क्रेडिट होता है, बताइए? ये हमारा क्रेडिट होता है, क्योंकि परचेज अकाउंट अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट होता है ना। इसमें हमको इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करना है तो हम साइड चेंज नहीं करते, उसी साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे क्रेडिट साइड में ही आएगा, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने रुपए से है ये? 500 रुपीज़ से। और डेबिट फिर किसको करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 500 रुपीज़। और फिर नरेशंस लिख देंगे, टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक इज अंडरकास्ट बाय 500 रुपीज़ नाउ रेक्टिफाइड। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आसान ट्रांजेक्शन्स हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं अभी और ट्रांजेक्शन्स लेके आता हूँ आपके लिए। चलिए और आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स की तरफ। सिक्स्थ, सेल्स रिटर्न बुक वाज एडेड शॉर्ट बाय 300 रुपीज़। सेल्स रिटर्न हमारा क्या होता है? सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न हमारा क्या होगा? डेबिट अकाउंट। सेल्स रिटर्न को स्टूडेंट्स रिटर्न इनवर्ड भी कहा जा सकता है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, हमारे पास वापस आया किसी का सामान, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न बुक में 300 रुपये से टोटल शॉर्ट किया हुआ है, तो हमने उसको इंक्रीज करना है। तो हम इंक्रीज कैसे करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू
टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि हमें क्रेडिट किसको किया ये तो पता ही नहीं ना, कितने रुपए से है, 300 रुपीज़ से। इसके बाद आप नरेशन लिख देंगे, सेल्स रिटर्न बुक को शॉर्ट डेबिट था तो हमने इसका और इंक्रीज कर दिया 300 रुपीज़ से। चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं, सेवन्थ ट्रांजेक्शन से स्टूडेंट्स। क्या कहता है, रिटर्न इनवर्ड बुक ओवर कास्ट बाय 700 रुपीज़। रिटर्न इनवर्ड मतलब वही सेल्स रिटर्न, तो इसको रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है। इस ओवर कास्ट हो गई है 700 रुपये से। सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट साइड होता है, हमें कम करना है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट साइड करेंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड, जो लिखा हुआ अगर सेल्स रिटर्न लिखा है तो आप सेल्स रिटर्न लिख दीजिए, रिटर्न इनवर्ड लिखा है तो आप रिटर्न इनवर्ड लिख दीजिए। इनवर्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 700 रुपीज़ से और नरेशंस में लिख दिया कि रिटर्न इनवर्ड अकाउंट ओवरकास्ट बाय 700 नाउ रेक्टिफाइड। एट्थ ट्रांजेक्शन को देखते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बुक। रिटर्न आउटवर्ड मतलब हमने वापस किया, इज ओवरकास्ट बाय 200 रुपीज़। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, परचेज रिटर्न होता है हमारा, ये परचेज रिटर्न हमारा होता है क्रेडिट का। अब ये ओवरकास्ट हो गया तो हमें फिर इसकी साइड चेंज करनी पड़ेगी, हमें इसको डेबिट में ले जाना पड़ेगा, तो आप लिख दीजिए रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। बहुत आसान ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट्स, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इनको करने में। कितने रुपए से है, 200 रुपीज़ से है। ये हमारी एंट्री क्लोज हो गई, इसके बाद आप नरेशन ज़रूर लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को लेते हैं, नाइन्थ को देखते हैं क्या कहता है ये। गुड्स परचेस्ड फॉर रुपीज़ 5000, 5000 रुपये का गुड्स खरीदा, वर पोस्टेड एज रुपीज़ 500 टू द परचेज अकाउंट। करेक्ट एंट्री होती परचेज अकाउंट डेबिट, ये होती। क्या किया हुआ इसमें, वर पोस्टेड एज रुपीज़ 500 टू द परचेज बुक, 5000 की जगह सिर्फ से 500 रुपये की एंट्री करिए, तो हमें 4500 से एक और एंट्री डालनी है। लेकिन हम एंट्री सिर्फ से वन साइड ही डाल सकते हैं, दूसरा साइड हमें फिर से सस्पेंस अकाउंट डालना पड़ेगा, तो हम एंट्री फिर से डाल देते हैं, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे अब आप, 4500 से। अब हमें क्योंकि पता नहीं है कि क्या था इसका फॉर्म ऑफ पेमेंट, क्या था, सस्पेंस अकाउंट 4500, ठीक है। तो ये अब इसके बाद नरेशंस लिखेंगे। तो ये थी हमारी सारी एंट्रीज। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सस्पेंस अकाउंट को समझा, हम सस्पेंस अकाउंट को क्यों बनाया जाता है। हम सस्पेंस अकाउंट को बनाते हैं ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए, और उसको जल्दी से जल्दी हम आइडेंटिफाई करते हैं एरर को और फिर रेक्टिफाई करते हैं। इसके साथ आज हमने टोटलिंग मिस्टेक्स वाला एरर्स को समझा, जिसमें हमने अंडरकास्ट और ओवरकास्ट, अंडरकास्ट मतलब जिसका टोटल कम हुआ है और ओवरकास्ट जिसका टोटल ज़्यादा हुआ है, इस तरह की ट्रांजेक्शन को हमने समझा। अभी ये चैप्टर हमारा फिनिश नहीं हुआ, अभी अगले वीडियो में हम और नई चीज़ों को लेके आने वाले हैं। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, बने रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।